जी मैंने ज्वाइन कब किया था जो मैंने कांग्रेस को छोड़ा है आप बताएंगे प्लीज। हुड्डा जी के लिए आपने वोट की अपील की थी, बड़ी वीडियो ट्रेंड हुई थी वो। जी मैं बता दूं, हुड्डा जी को हम जब हमारे गांव में आए थे, जब भी हमारा कोई माननीय सम्मानीय कोई मेहमान हमारे घर पे आता है तो हम उनको बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते हैं और उनके मान सम्मान में हम कुछ वर्ड्स बोलते हैं। उस समय मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, मैं राजनीति में नहीं थी, इसलिए मैंने वो चीज़ें बोली उनके मान सम्मान में, वो चीज़ें कि अगर आप भी मेरे घर आते हो तो मैं भी आपके मान सम्मान में बहुत आपका मान सम्मान ही करूँगी। आसी जो हल्का है वो आपका गृह हल्का पड़ता है और अब बरवाला में आप दावेदारी जता रही, इसके पीछे कोई विशेष रीजन? देखिए हासी हल्का पहले घिराए हल्का होता था जिसमें हमारे गांव कुछ बरवाला में रहते हैं, मेरा गांव है जो हासी में पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं सरसोद बिचपड़ी जोरा जो गांव में सरसोद गांव में पढ़ी, जैसे हमारा कॉमन स्कूल है सरसोद बिचपड़ी जोरा गांव का, मैं यहीं पढ़ी हूँ, यहीं बड़ी हुई हूँ, मेरी स्कूलिंग सब यहीं की है तो मेरा पूरा सर्कल भी यहाँ का है। तो मेरे लिए कोई हासी अलग नहीं है और कोई बरवाला अलग नहीं है, मेरे लिए दोनों एक जैसी जगह, क्योंकि मेरा पहला घर तो यही बरवाला का ही है। जैसे हमारा कॉमन स्कूल है सरसोद बिचपड़ी जोरा गांव का, मैं यहीं पढ़ी हूँ, यहीं बड़ी हुई हूँ, मेरी स्कूलिंग सब यहीं की है तो मेरा पूरा सर्कल भी यहाँ का है। तो मेरे लिए कोई हासी अलग नहीं है और कोई बरवाला अलग नहीं है, मेरे लिए दोनों एक जैसी जगह, क्योंकि मेरा पहला घर तो यही बरवाला का ही है। तो क्या लग रहा है टिकट अगर मिलती है तो लोगों के बीच किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? देखिए मैंने बताया है कि मैं सबसे मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और स्पोर्ट्स के लिए मैं ग्राउंड लेवल से मैं अभी भी काम कर रही हूँ, 4 साल 5 साल हो गए मुझे ग्राउंड लेवल से काम करते हुए। और हमने हमारा अभियान भी चलाया हुआ कि खेलेगा भारत जीतेगा भारत, गेम ऑन नशागोन, जिसके तहत हम गांव-गांव जाकर बच्चों को जो गरीब बच्चे उनको खेल किट जो एक पंचायत के अंडर जितने बच्चे खेलते हैं उनको खेल किट भी देते हैं और वहाँ उन बच्चों को हम प्रोत्साहित करते हैं खेल की तरफ आने के लिए ताकि वो नशे से दूर रहें। इस तरह हम न कि एक उनको खेल को प्रोत्साहन देते हैं, इससे हम स्वस्थ भारत का भी स्वस्थ भारत को प्रमोट करने का भी काम कर रहे हैं। श्वेती जी बीजेपी से जुड़ने की कोई विशेष वजह? जी मैंने बताया है पहले भी और मैंने अपने स्टेज पर भी बोला है कि बीजेपी से मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कार्य जो प्रणाली है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ, इसी वजह से मैंने बीजेपी ज्वाइन किया, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल बॉक्सर हूँ, जब हम बाहर कंट्रीज में जब खेलने के लिए जाते थे उस समय हमारी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं होती थी, इंडियंस को बिल्कुल वन साइड ऐसे किसी कोने में रख दिया जाता था। अब आप देख रहे हो कि हमारा हम बाहर किसी भी कंट्री में जाते हैं तो हमारा कितना मान सम्मान हमें मिलता है, तो उस उन चीज़ों से उनकी कार्यप्रणाली से पूरा विश्व प्रभावित है, मैं ही नहीं पूरा विश्व प्रभावित है, उनके उनसे प्रभावित होकर ही मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया था। श्वेती जी क्या खिलाड़ियों के साथ साथ क्या आप किसानों की भी आवाज़ बनने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, किसान की मैं बेटी हूँ, मैं किसानों की आवाज़ क्यों नहीं बनूंगी? आप को मैं याद दिला दूं 2021 में जब मुझे एशियन में मेडल मिला था मैंने वो हमारे किसानों को समर्पित किया था, और कुछ भी अगर किसानों से संबंधित कोई भी अगर मुद्दा होता है और हमारे समाज से संबंधित कोई भी मुद्दा होता है उसमें मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेती हूँ और उनके लिए काम भी करती हूँ। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।